पलामू के बिजली मिस्त्री दिलीप शर्मा हत्याकांड में बांकी विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी शशिभूषण मेहता का नाम सामने आया है। दिलीप के परिवार वालों ने एसपी से मिलकर इस हत्याकांड में शशिभूषण मेहता के शामिल होने का अंदेशा जताया है। दिलीप के परिवार वालों ने माली नेता और आर्यन सिंह सहित कुल चार सियासतदानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि शशिभूषण मेहता ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। आपको बता दें कि दिलीप शर्मा की हत्या पिछले हफ्ते की गई थी। मुख्य आरोपी बनवारी मेहता की पत्नी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बनवारी मेहता माले से जुड़ा है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस रोज दिलीप हत्याकांड में बनवारी मेहता का नाम सामने आया था, डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने उसके अगले ही दिन बनवारी के परिवार वालों के साथ थाने जाकर उसके अपहरण की तहरीर लिखवाई थी और इसमें पाकी विधायक गिरफ्तार बबलू सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया था। पुलिस ने तब बबलू सिंह से पूछताछ भी की थी। कुल मिलाकर सियासतदानों का नाम सामने आने के बाद ये मामला बेहद उलझ चुका है और यही वजह है कि पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देखना होगा कि पुलिसिया जांच में क्या सच्चाई सामने आती। माले वालन के भी हाथ है। कैसे फील हुआ आपको कि उन लोगों का हाथ? क्योंकि हम वहाँ पर गए थे, हम लोग छानबीन में बड़े बाबू के साथ थे, तो उन लोग सब घर में बैठ करके मीटिंग कर रहा था। जब हम लोग गए तो सब निकल गया, तो उसका हम लोग अभी जो है तकनीकी अनुसंधान करेंगे कि क्या षड्यंत्र के तहत वो लोग का भी नाम सामने है। हाँ, इसमें से कुछ लोगों का नाम है जिसपे उन्होंने दोषारोप करने का आरोप लगाया है, जिसमें शशिभूषण मेहता, आर्यन सिंह, ब्रजनंदन सिंह, राजेंद्र मेहता, पप्पू मेहता और परमू मेहता, इन लोगों के ऊपर उन लोगों ने जांच की मांग की है कि इनका विस्तृत जांच किया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उनके आवेदन पर विचार करेंगे और अनुसंधान जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चल रहा है, निश्चित रूप से इनके अनुसंधान में जो आवेदक है, पीड़ित है, उसकी मांग के अनुरूप हम लोग जांच में करेंगे और जांच के बाद जो भी निष्पक्ष अनुसंधान में शामिल आएगा तद अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। और हमारे साथ सहयोगी करण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। करण, जिस तरह से दिलीप शर्मा हत्याकांड में अब जेएमएम प्रत्याशी शशिभूषण मेहता का नाम सामने आ रहा है, अब क्या कुछ है कहना इसमें पुलिस का? पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पूरे मामले में? पहले तो यह जो हत्या है वो प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा हुआ है, पहले ये भी माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक दो दिन के बाद यह रुख मुड़ गया और ये पूरा पॉलिटिकल इशू ये बन गया है। एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि जब पुलिस को भी यह बात पता चल चुकी है कि यह पॉलिटिकल इशू बन रहा, तो पुलिस भी बहुत ही सतर्क हो गई है और हर पहलुओं पे यह छानबीन किया जा रहा है कि यह बात सही है कि नहीं। आरोप तो लगाया ही गया है, लेकिन पुलिस जानने की कोशिश करें कि आरोप सही बिंदुओं पे जी। चलिए, धन्यवाद करण आपका तमाम जानकारियों के लिए।